नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का यह अंक। किसान भाइयों, पिछले दिनों ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत के साथ साथ गर्मी अब अपना प्रकोप धीरे धीरे दिखाने लगी है। ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आप को गर्मी से बचाने के साथ साथ अपनी खेती को भी ग्रीष्म के प्रकोप से बचाएँ, और इसके लिए कुछ आवश्यक सामयिक कार्यों को करने की ज़रूरत होती है। और ऐसे ही सामयिक कार्यों की जानकारियों से सजा सवरा रहता है हमारा यह कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की। कृषि के मुख्य समाचार इस प्रकार से। किसान हित की नीतियों पर कार्य, राज्य में गेहूं खरीद प्रारंभ, कृषि विभाग में टास्क फोर्स का गठन, बहुफसली गहाई यंत्र, अदरक की लाभकारी खेती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र तथा किसानों के कल्याण के अनेक कदम उठाकर कृषक हितों की नीतियों पर कार्य कर रही है। श्री मोदी हुस्नेवाली में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देश से भूख को समाप्त करने वाले पंजाब के किसानों को आग्रह किया कि वे आधुनिक जल संरक्षण के तरीकों को अपनाएं तथा रसायन उर्वरकों के उचित इस्तेमाल में अग्रणी भूमिका निभाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दूरगामी नीतियों पर काम कर रही है। उन्होंने कृषि सिंचाई एवं मिट्टी की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे कार्यक्रमों के बारे में बताया। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हाल के बेमौसम वर्षा से प्रभावित किसानों को राहत देगी। प्रधानमंत्री ने अमृतसर में बागवानी तथा शिक्षा के लिए शहीद भगत सिंह स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने की घोषणा की। प्रदेश में गत 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद प्रारंभ कर दी गई है। अब तक लगभग 3 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदी हो गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए बनाए गए केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था रहे। खरीद केंद्रों पर आने वाले किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखें। ओलावृष्टि के कारण जिस गेहूं की थोड़ी चमक चली गई है तो उसे भी खरीदा जाए। प्रदेश के 4 संभाग इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद गत 25 मार्च से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए बनाए गए खरीदी केंद्रों पर छन्नों तथा आर्द्रता मीटर की व्यवस्था रखें। यदि गेहूं का समर्थन मूल्य 1450 रुपये प्रति क्विंटल से कम आकलन किया जाता है तो उसका नमूना लेकर मंडी सचिव प्रमाणित करें। गेहूं के उपार्जन के लिए प्रदेश में 18,74,000 किसानों का पंजीयन किया गया है, जो पिछले वर्ष से 1.5 लाख अधिक है। गेहूं उपार्जन के लिए 2,974 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य शासन ने नीति आयोग के प्रावधान अनुसार राज्य में कृषि विकास की नीति एवं कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा इस टास्क फोर्स में अध्यक्ष कृषि एवं ग्रामीण विकास फेडरेशन, चेयर प्रोफेसर इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन एवं पूर्व कुलपति महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को सदस्य बनाया गया है। उच्च क्षमता वाला बहुफसली गहाई यंत्र किसानों के लिए काफी उपयोगी है। यह यंत्र बड़ी जोत वाले किसानों तथा व्यावसायिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इस यंत्र से मक्का, गेहूं, चना, ज्वार, सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसी फसलों की गहाई की जा सकेगी। इसे 20 हॉर्स पावर की 3-फेस मोटर या 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर PTO द्वारा चलाया जा सकता है। इसमें स्वचालित फसल भराई के साथ शूट पत्ती युक्त सिलेंडर, 3 एस्पियर, ब्लोअर अवतल, छलनियाँ तथा परिवहन के लिए रबर के पहिए लगाए गए हैं। यह गहाई यंत्र किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस यंत्र से किसान अपनी फसल की गहाई के साथ साथ अन्य किसानों की फसलों की गहाई कर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं।
किसान भाइयों, अदरक की खेती से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अप्रैल मई में लगाई जाने वाली इस फसल को प्रोसेस कर ज्यादा भाव लेना आसान हो जाता है। इसके लिए गहरी जुताई कर 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पकी गोबर खाद डालें, जिसमें 20 किलोग्राम मेलाथियन पैराथियन भी मिला दें, जिससे उपस्थित हानिकारक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। अदरक की किस्मों का चयन जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, यदि खेती किसानी के साथ साथ उद्यानिकी का कार्य भी किया जाए तो इससे बड़ा ही अच्छा लाभ उपार्जित किया जा सकता है। उद्यानिकी के क्षेत्र में आज किसान भाइयों के लिए एक बड़ा ही अच्छा भविष्य भी मौजूद है। उद्यानिकी के कार्यों में यदि उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाए तो इससे सोने पर सुहागा कार्य हो सकता है। उच्च तकनीक से उद्यानिकी की खेती कैसे करें, यही आज आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निशीद गुप्ता, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र देवास से। उच्च तकनीक से सब्जियों या उद्यानिकी फसलों की खेती करने के मुख्य रूप से चार पांच घटक हैं, जिनमें मुख्य रूप से पहला है शेड नेट हाउस में हाइब्रिड सब्जियों की रोपे तैयार करना, दूसरा ड्रिप सिंचाई पद्धति से सब्जी या अन्य उद्यानिकी फसलों की खेती करना, तीसरा मल्चिंग विधि से उद्यानिकी फसलों की खेती करना, चौथा पॉली हाउस में ऑफ सीज़न में जैसे टमाटर, शिमला मिर्च या अन्य फूलों की खेती करना। सबसे पहले जो घटक है वो है शेड नेट हाउस में सब्जियों के रोपे तैयार करना। और किसान भाई सभी जानते हैं कि सब्जियों की हाइब्रिड बीज बहुत महंगे आते हैं। यदि हम उनकी रोप शेड नेट हाउस में सीडलिंग ट्रे, जिसे प्रो ट्रे भी कहते हैं, में तैयार करें तो स्वस्थ रोप तैयार होने के साथ साथ हमें बहुत ही अधिक उत्पादन देने वाले रोप तैयार मिल जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, जिसे हम शेड नेट हाउस कहते हैं। ये अलग अलग 30% से लेकर के 75% तक मैश वाले नेट हाउस होते हैं, जिसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उसके अंदर शेड सीडलिंग ट्रे या प्रो ट्रे में सब्जियों के रोप तैयार करते हैं। प्रो ट्रे में रोप तैयार करने की एक तकनीक होती है, जिसमें सबसे पहले 90 खांचों वाली हम ट्रे लेते हैं। इस ट्रे में 90 खांचे बने होते हैं, उस खांचों में हम मिट्टी की जगह कोकोपीट भरते हैं। कोकोपीट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। इस कोकोपीट को सीडलिंग ट्रे में भर दिया जाता है और फिर हर ट्रे में उंगली की सहायता से छेद करके हर खांचे में हाइब्रिड बीज, चाहे वो टमाटर का हो, मिर्च का हो, बैंगन का हो या दूसरी अन्य सब्जियों का हो, एक एक बीज को एक एक खांचे में डाल दिया जाता है और उसके बाद उस बीज को कोकोपीट से ढक दिया जाता है। कोकोपीट से ढकने के बाद इस ट्रे को कुछ समय तक के लिए खुले वातावरण में रखते हैं, ओपन कंडीशन में रखते हैं,
और जैसे ही बीज अंकुरित होते हैं उस ट्रे को हम जो सेड नेट हाउस हमने तैयार किया हुआ है उसके अंदर हम रख देते हैं और समय समय पर उसमें फफूंदीनाशक दवा कार्बन डाइजीम हो या मैंकोजेब हो उसका हम अगर छिड़काव करते हैं तो जो बीमारी हमारी रोप को नुकसान पहुंचा सकती है वो बीमारी से हमारा रोकथाम हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 30 से 35 दिन में आपको एक स्वस्थ रोप तैयार होगा और लगभग लगभग हर बीज का अंकुरण आपको दिखाई देगा, जबकि परंपरागत रूप से रोप तैयार करने में हमारे करीब करीब 20 से 25% जो बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण हमें बहुत आर्थिक नुकसान या किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो 30 से 35 दिन में रोप तैयार हो जाते हैं और रोप तैयार होने के बाद आप उसको अपने खेत में रोपाई उसकी कर सकते हैं। दूसरी तकनीक है ड्रिप सिंचाई पद्धति से खेती करना। ड्रिप सिंचाई पद्धति जिसको हम टपक सिंचाई भी कहते हैं सभी किसान भाई ने देखा होगा और उसके फ़ायदे भी जानते होंगे। टपक सिंचाई का मुख्य रूप से जो शुरुआत में जब टपक सिंचाई आई थी इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम पानी की बचत करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा जल स्तर नीचे चला जा रहा है और जिसके कारण हम सिंचाई ज़्यादा से ज़्यादा खेत में नहीं कर पाते। तो अगर हम टपक सिंचाई से खेती करें जिसमें बूंद बूंद पानी पौधे के जड़ के पास जाता है, चाहे वो फल वाले पौधे हों चाहे वो सब्जियां हों, तो पानी की बचत तो होती ही है, साथ में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि इसलिए होती है कि पौधों को एक निश्चित मात्रा में पानी मिलता है, साथ में हम ड्रिप या टपक सिंचाई से समय समय पर खाद का प्रयोग कर सकते हैं, कीड़ों की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारे जो फफूंद वाले रोग लगते हैं जो कि पूरी की पूरी फसल को हमारे ख़राब कर देते हैं उससे हमारी बचत हो जाती है। तो इससे हमें पानी की बचत के साथ साथ एक अधिक से अधिक मात्रा में लाभ भी प्राप्त होता है। तीसरी पद्धति है मल्चिंग। मल्चिंग अलग अलग प्रकार की होती है जिसमें वानस्पतिक मल्चिंग भी होती है और प्लास्टिक मल्चिंग भी होती है। प्लास्टिक मल्चिंग बिछाने से पौधों में दो प्रकार से फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा होता है कि जो ज़मीन में खरपतवार उगते हैं वो हमारे नहीं उगते। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हम सिंचाई करते हैं टपक सिंचाई के माध्यम से पानी देते हैं वो पानी वाष्पीकरण के माध्यम से वातावरण में जाता नहीं है। तीसरा जो कीड़े बीमारी हैं वो कम लगते हैं। चौथा फसल की अवधि बढ़ जाती है और पैदावार में वृद्धि होती है। सामान्य रूप से परंपरागत खेती करने से जो किसान भाई मिर्च 3-4 महीने में ख़त्म हो जाती है वही मिर्च अगर आप मल्चिंग और ड्रिप के साथ खेती करें तो कम से कम 6 महीने आपको फसल उत्पादन देती है जिससे आपकी आर्थिक लाभ हो सकता है। मल्चिंग का मुख्य रूप से प्लास्टिक मल्चिंग जो होती है वो दो परत में बनी होती है, उसके नीचे का भाग काले रंग का होता है और दूसरा ऊपर वाला भाग सिल्वर रंग या ग्रे कलर का होता है। काले रंग की अपनी विशेषता है और सिल्वर रंग की अपनी विशेषता है। काला रंग सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है जिसके कारण ज़मीन के अंदर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से फफूंद कीड़े या खरपतवार के बीज होते हैं वो गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। जो ऊपर की ग्रे कलर की परत होती है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है जब उस प्लास्टिक की पन्नी में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो वापस ऊपर की ओर उठती है। जब वापस ऊपर की ओर उठती है तो पत्ते के नीचे चाहे वो मिर्च हो या टमाटर हो या दूसरी फसलें हैं पत्तियों के नीचे जो कीड़े छुपे होते हैं रस चूसने वाले कीड़े मुख्य रूप से वो कीड़े उस गर्मी के कारण उड़ के ख़त्म हो जाते हैं या उड़ के फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इससे हमारी फसल अवधि बढ़ने के साथ साथ कीड़ों का नुकसान भी कम होता है और आप देखेंगे कि आप 6 महीने या 7 महीने तक आप खेती ले सकते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1,000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, यदि खेतों में फसल बोने से पूर्व मिट्टी का परीक्षण करवा लिया जाए
तो इससे जहाँ एक ओर मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर मिट्टी में खाद कितनी डालनी है और उसकी अम्लीयता और क्षारीयता के विषय में भी सटीक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मिट्टी परीक्षण की विधि क्या है, यही आज आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं SS बघेल, कृषि वैज्ञानिक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं रबी मौसम की समाप्ति का समय चल रहा है और इस वक्त हमारे खेतों में प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो गेहूं की फसल एवं चने की फसल एवं अनेक फसलें लगी हुई हैं, लेकिन इस वक्त इन फसलों का जो कि कटाई का समय धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में हमारे किसान भाई कटाई कर रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है, कुछ क्षेत्रों में चने की फसल की भी कटाई प्रारंभ हो चुकी है। जिन क्षेत्रों में फसलों की कटाई हो चुकी है इस वक्त प्राथमिकता से हमारे किसान भाइयों को आवश्यकता है कि मृदा परीक्षण के लिए खेतों से मिट्टी का परीक्षण के लिए जो नमूना है उसको लेना है। मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले विशेष रूप से जो बात आती है, हमारे किसान भाई मृदा परीक्षण के लिए हम इस बात का ध्यान रखें कि जिन क्षेत्रों में हम मृदा परीक्षण कराना चाहते हैं या जिन खेतों का, सबसे पहले तो एक रंग एक क्षेत्र के और एक फसल उत्पादन के दृष्टिकोण से हमें अपनी जो मृदा का नमूना है उसको लेना है। मृदा नमूना लेने के लिए सर्वप्रथम तो आपको लगभग 2 से 8 एकड़ की जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र का चयन करें और उन क्षेत्रों से किसान भाई लगभग 8 से 10 जगहों से मिट्टी का जो हमारी मिट्टी है उसको लेना है। इसके लिए आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी मिट्टी है उसका परीक्षण लेने के लिए जो मिट्टी का नमूना लेते हैं उस नमूने को लेने के लिए आपको सर्वप्रथम ये देखना है कि मृदा के ऊपर का जो ऊपर की जो हल्की मिट्टी होती है 1 इंच की उसको साफ कर लें। इसके बाद आपको उसमें बी आकार का सेप बनाना है। बी आकार का सेप आपको बनाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि आप ऊपर से जो हमारी ज़मीन की ऊपर की सतह है वहाँ से लेकर नीचे तक 6 इंच की मिट्टी को आपको लगभग 2 इंच की डेप्थ की मिट्टी को आपको निकालना है। उस मिट्टी को निकालने के लिए आपको बी सेप बनाना होगा और खुरपी के माध्यम से उस मिट्टी को निकालें। इस प्रकार से जब 8 से 10 स्थानों से आप मिट्टी का नमूना ले लेते हैं तो लगभग ये मिट्टी का जो नमूना है वो लगभग हमारा 500 से 1 किलो के बीच में हमारा इकट्ठा हो जाता है। इस नमूने को आप इकट्ठा करके अच्छी तरीके से इसको मिला लें और मिलाने के बाद इसको कहीं पे अगर नमी बनी हुई है या मॉइस्चर है तो उसको छाए में उसको सुखाया जाए। सुखाने के बाद हम उस मिट्टी के नमूने को फैला लें और फैलाकर उसका 4 भाग करना है। 4 भाग करने के बाद जो आमने सामने के जो भाग हैं उन दोनों भागों को आपको अलग करना है और जो बचा हुआ मिट्टी का सैंपल है उसको इकट्ठा करके अच्छी तरीके से उसको रगड़कर बारीक करना है और उस सैंपल से फिर आपको 4 भाग करना है। 4 भाग आपको तब तक करना है जब तक आपके सैंपल में से जो मात्रा है वो लगभग 200 ग्राम तक ना बच जाए। 200 से 250 ग्राम जब आपका मिट्टी का नमूना बच जाएगा ये आपके पूरे खेत का एक इकट्ठा कंपोजिट जो नमूना है वो नमूना होगा। इस नमूने को आपको एक मिट्टी जो हमारा पॉलीथीन है उस पॉलीथीन में भर दें और पॉलीथीन में भरने के बाद पॉलीथीन के बाहर एक उसमें जो हमारे किसान को एक प्रपत्र भरना होता है उस प्रपत्र में पूरी जानकारी आपको भरनी होगी। उस जानकारी को जो विशेष रूप से किसान का खेत, किसान का नाम, किसान कौन सी फसल लगाए थे, कौन सी फसल लगाना चाहते हैं और कौन कौन से उन्होंने कीटनाशक या जो शाकनाशी है उनका इस्तेमाल किया, कौन कौन से उन्होंने उर्वरक खेत में दिए, इन सब की जानकारी उस प्रपत्र में भरना होगा। उस प्रपत्र में भरने के बाद उस पूरे प्रपत्र को आपको मिट्टी सैंपल के साथ में उसके 2 प्रपत्र भरकर एक प्रपत्र मिट्टी सैंपल के साथ आपको प्रयोगशाला के परीक्षण के लिए भेजना है और एक जो प्रपत्र है वो आपको अपने पास रखना है ताकि आप जब मृदा परीक्षण के बाद आते हैं सैंपल तो उसकी जानकारी आपके पास भी रहे। इसके बाद मृदा परीक्षण आपने प्रयोगशाला में भेज दिया तो ये सबसे उपयुक्त समय होगा, इस समय आप मृदा परीक्षण के लिए सैंपलों को प्रयोगशालाओं में भेजें। दूसरी बात आती है कि आपको परीक्षण के लिए जो मिट्टी है वो किन स्थानों से नहीं लेना है। एक बात विशेष रूप से हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि खेत के आसपास जो नालियाँ जा रही हैं कहीं पर आपने गोबर की खाद इकट्ठी करी है, कहीं पर नमी बनी हुई है, किसी वृक्ष है, इनके नीचे से आपको मृदा सैंपल नहीं लेना है या मृदा के नमूने नहीं निकालना है ताकि आपकी जो मिट्टी है उसका सही नमूना आपका
प्राप्त हो सके। एक विशेष बात ध्यान रखें कि जब भी हम मृदा नमूना लेते हैं खेतों से, तो किसान भाई कई क्षेत्रों में देखा गया है कि वो गेहूं की फसल की कटाई के बाद गेहूं के जो डंठल खेत में होते हैं उसकी जला देते हैं या उसमें आग लगाकर उसको नष्ट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर आग लगाते हैं तो आग लगाने के बाद मृदा के नमूने उन खेतों से ना लें, उसके पहले ही आपको आग लगे बिना ही आपको उन खेतों से सैंपल लेना है, मिट्टी के नमूने लेने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें हमारे किसान भाई कि अगर जैविक खेती अपनाए हुए जो हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं, अगर उनको इस बात का ध्यान रखना है, अगर वे जैविक खेती को अपनाए हुए हैं तो उसका पूरी प्रबंधन वो प्रारंभ से ही कर दें, ताकि आगामी फसलों में उनको जैसे गोबर की खाद है, केचुआ की खाद है, इसके साथ साथ जो उर्वरकों का इस्तेमाल आज बहुतायत में हमारे पूरे मध्य प्रदेश में किसान भाई उपयोग कर रहे हैं, और जवाहर जैव उर्वरक जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त होता है, इसका उपयोग बहुतायत में जैव उर्वरक के रूप में हमारे किसान भाई करते हैं। तो इन जैव उर्वरकों में प्रमुख रूप से जो हमारी फसल है, जैसे अगर आगामी फसल की बात करें तो धान की फसल के लिए हमें नीलहरित शैवाल है, और जो हमारा PSB है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, और जो हमारी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों के लिए विशेष रूप से हम राइजोबियम जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। तो इन जैव उर्वरकों को आपको प्रारंभ से ही उनकी जो पैकेज है उसको तैयार करना है, उसकी व्यवस्था करनी है, ताकि आगामी आपकी फसलों के लिए जैव उर्वरकों का व्यवस्था पहले से हो और आप उनका उपयोग कर सकें। मृदा परीक्षण के दौरान किसान भाइयों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी हम नमूने लेते हैं उन नमूने को अच्छी तरीके से तैयार करके ही हमें प्रयोगशाला में भेजना है। दूसरी बात, जब हम नमूने ले लेते हैं तो उससे जो हमें जानकारी मिलती है उससे ये पता लग जाता है कि हम आगामी फसलों के लिए किस प्रकार किन पोषक तत्वों की कमी है और किन पोषक तत्वों का हमें आगामी फसलों के लिए देना है। इससे एक तो सबसे पहले आपको बात आएगी कि हमारी जो आर्थिक रूप से जो अनावश्यक हम जो उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं और हमारी फसलों में देते हैं, एक तो उसमें कमी आएगी। इस प्रकार से आप हमारे मृदा परीक्षण से आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात आती है किसान भाई कि मृदा परीक्षण चूँकि आज प्रमुख रूप से हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए, और इसको करने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आप मृदा परीक्षण कराएं, मृदा परीक्षण कराने के लिए आप लगभग 10 से 15 दिन पहले या लगभग 20 दिन पहले आप उसको प्रयोगशाला में भेज दें, ताकि आपके नमूने का परीक्षण समय पर हो सके और आपकी फसल की जब आप बुआई कर रहे हैं उसके पहले आपको पर्याप्त मात्रा में आपकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। जब आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो आप उसके अनुसार आपकी आगामी फसलों की पूरी तैयारी करेंगे और उसमें उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से अगर आप मृदा परीक्षण का तैयारी कर लेते हैं और मृदा परीक्षण कराते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल का उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा, साथ ही साथ जो आपका आर्थिक रूप से नुकसान होता है जैव उर्वरक हो या अन्य उर्वरक जो रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं उससे बहुतायत में कई बार अधिक रूप से आर्थिक रूप से हानि होती है, उससे भी आपकी बचत हो सकती है और आप मृदा परीक्षण का पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप, सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते, पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए, तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके। खेतीबाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-1800-1551। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में, खुशियों की आहट में, NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा आज का यह अंक जरूर पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है
या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।